तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड्स। इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड मीन्स कौन कौन से आईएएस कोड हमारे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि IS-456 अभी आपको लोगों को किस लिए यूज़ होता था। IS-456 और RCC स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IS-456। और उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड होता है वो होता है IS-800 2007 IS-456 2002। ठीक है, अब कभी कभी क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन IS-800 1984 IS-800 2007। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस भी जानना चाहिए, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, किसमें LSM से डिजाइन करते थे, किसमें WSM से करते थे। WSM मीन्स वर्किंग स्टेट मेथड और LSM मीन्स लिमिट स्टेट मेथड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको सबसे पहला तो डिफरेंस मैं आपको बता दूँ, वैसे तो कई डिफरेंस है बट एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ, जो है कि जो हमारा WSM है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, वो केवल और केवल इलास्टिक लिमिट तक डिजाइन करता है, मीन्स हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और जो हमारा IS ये अपना LSM है, लिमिट स्टेट मेथड, ये जो है ये प्लास्टिक स्टेट तक जाके डिजाइन करता है। प्लास्टिक स्टेट तो मीन्स जब तक बिल्डिंग गिरेगा नहीं तब तक उसको वार्न करता रहेगा और उसको तरित फिर से। मैं इस पर वीडियो सोच रहा हूँ बनाने का, कि अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे डिफरेंस के लिए एक वीडियो चाहिए, तो मैं उसमें IS कोड पुराना और नया, जैसे कि अभी एक दूसरा IS कोड मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है IS-1893 2002। और अभी इसमें जो अभी अभी अपडेट हुआ है वो कौन सा है, IS-1893 2016। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें क्या बोलते हैं, जिसे आपको अगर पता हो, अगर आपने पढ़ा है उसके बारे में, सिस्मिक के लिए होता है एक्चुअली, सिस्मिक एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। इसमें करते क्या है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें एग्जैक्टली करते क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेन डिफरेंस है IS-2002 और 2016 में, ये डिफरेंस है इम्पोर्टेंस फैक्टर का। मींस अगर जनरल बिल्डिंग होती थी तो हम लोग उसकी वैल्यू लेते थे, फैक्टर कितने लेते थे, 1 लेते थे, जनरल बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग मैक्सिमम। और अगर वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो जाता था तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग लेते थे 1.5। अभी एक नया जो कोड में अपडेट आया है, वो कोड में अपडेट आया है अगर आपके घर पे 200 मेंबर्स या मोर देन 200 मेंबर्स आ रहे हैं, तो उनमें रेसिडेंशियल है ना कॉमर्शियल अगर है, तो उसके लिए हम लोग वैल्यू लेंगे 1.2, क्या लेंगे 1.2। इस तरीके से और भी ढेर सारे इसके बीच में डिफरेंस है। सो मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैंने PPT शेयर कर ली है, मैं बस आपको जल्दी जल्दी एक एक करके डेली दे रहा हूँ। तो आप बस एक काम करिए कि इसको शेयर करते रहिए, जिससे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और मैं ढेर सारी चीज़ें आपको दे सकूँ। मेरे पास हर एक चीज़ का, हर एक टॉपिक का PPT है, मेरी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं unixcivil.com पे, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ढेर सारी PPTs मिल जाएंगी हर एक टॉपिक से रिलेटेड। बट साथ ही साथ मैं खुद भी लेक्चर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा IS कोड है, पहला तो हमने देख लिया IS-456, सेकंड IS-800 एंड थर्ड इज IS-1893 एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ फाइव पार्ट्स ऑफ फोर्थ वन। द फर्स्ट पार्ट इज IS-875 पार्ट वन। पार्ट वन किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, पार्ट वन यूज करते हैं डेड लोड के लिए। आप लोग पूछ लेते हैं डेड लोड होता क्या है, उसको तो पता ही नहीं होता डेड लोड होता है क्या है। सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेड लोड, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेड लोड दोस्तों। एंड नेक्स्ट है लाइव लोड। अब लाइव लोड भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है। लाइव लोड होता है जो बिल्डिंग के ऊपर नॉन मूवेबल लोड होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल के लिए हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं 2 kN का, और कमर्शियल के लिए 4 kN का हम लोग लेके चलते हैं लाइव लोड। और साथ ही साथ जैसे कि टेरिस है और स्टेयर है, स्टेयर अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके लिए लाइव लोड 5 kN एज्यूम करते हैं, और अगर वो रेसिडेंशियल है तो उसके लिए 3 kN करते हैं। इसके लिए जो IS कोड यूज करते हैं, जिसमें इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, वो है IS-875 पार्ट 2। आप उसको प्रीफर करिए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस पे जाके उसके बारे में अच्छे से डीप में नॉलेज लीजिए। अगर डीप लेते हैं, देखो आप किसी भी चीज़ का अगर फुल नॉलेज होता है ना तो मज़ा उसी में आता है। थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर हम कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहता है और इंटरव्यू में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मेनली जो मेरा काम है इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन कर देना, आपको इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट था मुझे, मैं उसी पे लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको दे रहा हूँ जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां पूछ रही हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं IS-875 पार्ट 3।
अब आप पूछोगे ये किस लिए होता है पार्ट थ्री, तो मैंने बोला पार्ट थ्री जो यूज होता है ये विंड एनालिसिस के लिए होता है। किसके लिए होता है? विंड के लिए। इसके लिए मैनुअल कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके दिया है इस कोड में। आप इस कोड को भी लिंक में क्लिक करिए और पढ़िए। वैसे मैं थोड़ा सा इसका अगर डिस्क्राइब करूँ तो इसमें हम लोग पहले तो कैलकुलेट करते हैं बेसिक विंड स्पीड, जो कि हर एक सिटी का फिक्स होता है। जैसे कि मैं पुणे में इस समय हूँ, तो पुणे का जो विंड स्पीड है 39 मीटर पर सेकंड। आईएस कोड में लास्ट पेज पे दिया है आईएस 75 पार्ट थ्री में 39 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इसके लिए फॉर्मूला होता है वीवी K1 K2 K3। अब वीवी क्या होता है? वीवी होता है हमारा बेसिक विंड स्पीड, और K1 क्या होता है? रिस्क कोएफिशिएंट, एंड K2 क्या होता है? K2 होता है हमारा टेरेन कैटेगरी, K3 क्या होता है? टोपोग्राफी फैक्टर। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मेरे पास कोड होता तो मैं थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करता। तो इसके लिए मैं आपको कल एक नया वीडियो दूंगा और उसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली टी में होता क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं। IS 875 पार्ट 4 ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है IS 875 पार्ट 4 यूज होता है अपने स्नो लोड के लिए। अब स्नो लोड आप कहाँ बोलोगे कि सर स्नो लोड तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, जब आपको जरूरत नहीं पड़ती, बट स्नो लोड बर्फीली एरियाज में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे आप कश्मीर में कोई मॉडल डे कर रहे हो, हिमाचल के कुछ स्टेट्स में काम कर रहे हो, आप हिमाचल में कुछ ऐसे पोर्सन है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है, ऐसी जगह पर हमें स्नो लोड भी कंसिडर करना पड़ता है। ओके, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज IS 875 पार्ट 5 जो कि यूज होता है किसके लिए? IS 875 पार्ट 5 यूज होता है हमारे लोड कॉम्बिनेशन के लिए। आप बोलोगे लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है? सर, लोड कॉम्बिनेशन में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमें डिज़ाइन में यूज़ होता है। जो हम लोग कभी अपने डिज़ाइन करते हैं उसमें, जब फाइनल डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग विंड और सेस्मिक को भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास 13 लोड कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिन लोड कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग डिज़ाइन करते हैं। वो लोड कॉम्बिनेशन के लिए जो IS कोड होता है वो होता है IS 875 पार्ट 5। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट IS कोड जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कोड हैं, जैसे कि SP16 है और भी ढेर सारे हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप नीचे कमेंट करिए, जिससे कि मैं और सारे कोड के बारे में, वैसे तो मैंने सारे कोड का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको निकाल के मैं और मेरे कुछ स्टूडेंट जो इस टीम में मिलके काम कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल के हमने इसको इकट्ठा किया, और उसके लिए मैं वीडियो बनाने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो भी मैं आपको देने वाला हूँ कि IS 875 में पढ़ना क्या क्या है, IS 800 में पढ़ना क्या क्या है, मैं वही चीज़ें आपको दूंगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों प्लीज यार शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वंस अगेन हैप्पी होली एंड जय हिंद।